Assalamu alaikum students. In the last lecture we discussed about how we can create objects और उस discussion में हमने देखा कि किस तरीके से हम classes के अंदर objects की को create करते हैं और उसमें फिर हमने एक code की example के through जो है वो एक point class बनाई थी और उस point class के अंदर हमने different objects के elements जो हैं x and y उसको create किया था. आज की इस लेक्चर में हम एक नई डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक ऑब्जेक्ट्स. और हम देखेंगे कि किस तरीके से डायनामिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जो हमने बनाए थे इससे पिछले लेक्चर में हमने जिसकी डिस्कशन की थी, किस तरीके से डायनामिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन जो प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स थे उनसे डिफ़र करते हैं और उनका क्या एडवांटेज है इन यूजिंग इन आर object oriented based programming. So to start with the discussion of dynamic objects, हम इससे पहले recall करते हैं जो हमने previous code में discussion की थी previous lecture के, कि जहाँ if you can recall के हमने एक point class बनाई थी और उस point class में हमने कोई भी जो भी object create किया है उसके उसमें दो variables थे, basically x और y. अब अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की बात करूं जो कि पॉइंट क्लास से बिलोंग करता है, तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली मेमोरी में एक अपनी एक जगह बेसिकली उसके लिए एलोकेट की जाती है. अब इसी तरीके से हमारे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कंसिडर जब करते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, तो हमारे पास दो तरह के टाइम कंसिडर किए जाते हैं. पहला होता है कंपाइल टाइम और दूसरा कहलाता है रन टाइम. कंपाइल टाइम में बेसिकली जब भी हम कोई भी कोड रन करते हैं तो जितने भी उस कोड के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें मौजूद तमाम वेरिएबल्स को जितनी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जो भी स्पेस रिक्वायर्ड है, वो कंपाइल टाइम के अंदर जो है वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइम्स जो के एसोसिएट करते हैं जब भी हम प्रोग्राम को बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और डीबग करते हैं, कि लेट्स से कंपाइल टाइम पे बेसिकली हमारे लिए मेमोरी की एलोकेशन हो जाती है कि जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी और कैरेक्टर टाइप के जो भी हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी में जगह जो है वो फिक्स हो जाती है. और उसके बाद रन टाइम में बेसिकली हम कोई भी अपनी एग्जीक्यूशन या कोड का आउटपुट देख सकते हैं. तो अब यहाँ पे जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, कि जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं किसी भी क्लास से बिलोंग करता हुआ, सो वी नो कि एट सर्टेन टाइम्स वी मे विश टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स डायनेमिकली एट रन टाइम एंड डिलीट दोज एज एंड व्हेन दे आर नो मोर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल कंपाइल टाइम पे क्रिएट करते थे तो वो मेमोरी में अपनी जगह रखता था और उसके बाद जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करने का काम है तो बेसिकली वो मेमोरी जो है वो आपके पास उस वेरिएबल में कंपाइल टाइम में ऑक्यूपाई हो जाती थी. इसी तरह जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स से मेरी मुराद के जो कि डायनामिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, तो उसमें भी ऐसे ही होता है आम वेरिएबल्स की तरह कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे यानी कंपाइल टाइम जो है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको जितनी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी जो है वो अपने पास फिक्स कर लेते हैं. अब इस चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट में मुझे क्या फ़ायदा होता है, तो वी कैन से कि जी डायनेमिक ऑब्जेक्ट की ये एक खसूसियत है कि जब भी मैं अपने ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा जो कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो बजाय इसके कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर लें, वो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं और उनको डिलीट भी करते हैं, कर देते हैं कि जब उन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल ख़त्म हो गया उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम के अंदर. तो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि जी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट और एक डायनामिक ऑब्जेक्ट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद
जो मेमोरी वो ऑक्यूपाई करते हैं या जितनी भी मेमोरी उन ऑब्जेक्ट्स ने इस्तेमाल की है, तो वो मेमोरी बेसिकली आपके पास जो एलोकेट की गई थी कंपाइल टाइम में वो उसी तरह ऑक्यूपाई रहती है। जबकि डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स अगर हम बनाते हैं तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट के केस में हमारे पास जो भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट होगा, तो वो बजाय इसके कि कंपाइल टाइम पे क्रिएट हो, वो रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस वक्त बेसिकली मेमोरी एलोकेट करता है। और फिर जब उस मेमोरी इस ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाता है उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम में, तो वो फिर हम उस मेमोरी को फ्री भी कर लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है क्योंकि उसको हमें मज़ीद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके ऊपर। सो बेसिकली इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रन टाइम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं उनको हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरी डायनेमिक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के जब भी हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इससे पिछले कोड में हमने पॉइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेट्स से पी, तो जब भी हमने कोई डायनेमिक वो नॉन डायनेमिक या कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम क्लास का नाम लिखते हैं और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जिस नाम से हमें उस ऑब्जेक्ट को लेबल करना है। जबकि यहाँ पे जब हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पॉइंटर का जो है वो सहारा लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर जो है वो हम उस पॉइंटर को क्रिएट करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसकी मदद से बेसिकली जो मेमोरी की बेटर यूजेज है वो हम कर सकते हैं, कि जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है या मेमोरी यूजेज है वो बड़े इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल हो सकती है। कि जैसे ही जैसे हमने बात की डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास जो मेमोरी ऑक्यूपाई की थी उस डायनेमिक ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री हो जाएगी अगर तो वो ऑब्जेक्ट डायनेमिक ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से जैसे हमने बात की कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत है, और जब हम क्रिएट करेंगे तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहली न्यू का कीवर्ड जिससे हम एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाएंगे, और जब हमें डिलीट भी करना है तो हम डिलीट के कीवर्ड से उस डायनेमिक ऑब्जेक्ट को C++ के अंदर डिलीट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी हमारे पास किस तरीके से एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट और एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है, कि हमारे पास जो मेमोरी है वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाती है और वो फ्री नहीं होती आफ्टर कंप्लीशन के जी जब उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रही तो वो फ्री नहीं होती। इसी उसके मुकाबले में अगर मैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहली कि वो पॉइंटर की मदद से क्रिएट किया जाएगा, और दूसरा कि उसकी एलोकेशन मेमोरी की एलोकेशन या डी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कंपाइल टाइम के बजाय रन टाइम पे डिसाइड होगी, और उसको क्रिएट करने के लिए हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ करना है और डिलीट करने के लिए बेसिकली हमने डिलीट का कीवर्ड यूज़ करना है। अब आगे जो हम लेक्चर में प्रोसीड करेंगे वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से इस न्यू के कीवर्ड के थ्रू हम कोई भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग द डिस्कशन कि हम किस तरीके से एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट को जो है जब क्रिएट करते हैं तो हमें न्यू का कीवर्ड यूज़ करना है, और इसी तरीके से जब डिलीट करना है तो हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड अब हम देखेंगे कि हम जब बात करते हैं कि व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट बेसिकली, सो वी यूज़ दिस न्यू कीवर्ड। अब इस न्यू कीवर्ड के इस्तेमाल में बेसिकली हम सबसे पहले रन टाइम में जब भी कीवर्ड हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रन टाइम पे, जो हमने पहले भी बात की थी। और जब हम अगर इस कोड को जो हमने रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट को जो रन टाइम पे हमने क्रिएट किया है एप्लीकेशन कोड के अंदर,
हमने एक रेफरेंस असाइनमेंट ज़रूर देनी है. मिसाल के तौर पे लेट्स से रेफरेंस जब भी हम बात करेंगे तो रेफरेंस से मुराद हम समझें कि ये एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, कोई भी मेमोरी एड्रेस की जो या लोकेशन है जहाँ पे ये सेव होता है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर सेइंग कि वी मस्ट असाइन द रेफरेंस टू द डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल, यानी उस डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट होगी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उसके लिए हमें एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना ज़रूरी है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी डायनेमिक ऑब्जेक्ट, तो उस डायनेमिक ऑब्जेक्ट की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे हमें एक पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी कंपल्सरी इम्पॉर्टेंट. जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें वी नो के हम क्लास का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है उसको क्लास के नाम के बाद लिखते हैं, तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, सिंपल ऑब्जेक्ट. लेकिन हमने अभी बात की कि अगर हमें कोई डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इन दैट केस वी नीड टू हैव सम पॉइंटर ऑब्जेक्ट. सो इसीलिए हम आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली द फॉलोइंग डिक्लेरेशन क्रिएट्स अ वेरिएबल विद नेम पी. अब यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सिंटैक्स लिखा है कि कभी भी अगर हमें कोई पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसमें हम क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्टैरिक लगाने के बाद कोई भी जो भी हमने पॉइंटर का नाम रखा है जो कि पॉइंटर टाइप है ऑब्जेक्ट, उसको क्रिएट किया जाता है. सो एज़ वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड के किस तरीके से हम जो जब भी हमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो काम दो स्टेप में होता है और उसका सिंटैक्स हमने डिस्कस किया कि हमने क्लास का नाम लिखना है और पॉइंटर डिक्लेयर करवाना है बेसिकली स्टैरिक की मदद से और जो भी पॉइंटर का फिर नाम है. तो यहाँ पे लेट्स से जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि एक पॉइंट क्लास हमने बनाई थी और उसके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट स्टैरिक पी जो है ये एक पॉइंटर बेसिकली पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया है. अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम इसको पॉइंटर टाइप वेरिएबल कहेंगे और अभी ये डायनेमिक नहीं है. हमने ये बात की है कि डायनेमिक जब बनेगा जब हम उसके साथ न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे. तो बेसिकली जब भी हम डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो दो स्टेप में काम होता है. पहला, हम एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि उस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल होगा हम वो क्रिएट करेंगे. जस्ट लाइक अगर पॉइंट की बात करूं पॉइंट क्लास की, तो पॉइंट स्टैरिक भी हमने लिख के उस क्लास का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया. अब ये पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा टू क्रिएट एनी डायनामिक ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली जो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी है पॉइंट स्टैरिक पी, सो आफ्टर दिस डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑफ पॉइंटर टाइप वी यूज़ द न्यू कीवर्ड. अब इसके बाद हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे जब हमें पॉइंट क्लास का कोई डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाना होगा. और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें नज़र आता है लिखते हैं पी इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट. अब पी यहाँ पे जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल जो कि उस क्लास का वेरिएबल होगा वो क्रिएट करना लाजमी है. तो बेसिकली मेमरी में क्या होगा, सो जब हमने कंपाइल टाइम पर, अच्छा यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है ये समझना कि जब मैंने फर्स्ट लाइन लिखी पॉइंट स्टैरिक पी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम है ये कंपाइल टाइम में होता है. क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं है. जब मैं न्यू पॉइंट लिखूंगा तो ये जो अब यहाँ पे उस पॉइंटर की मदद से कोई ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हुआ है तो ये रन टाइम का काम होता है. और जो हमने बात की थी कि डायनामिक ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम पे क्रिएट होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो डायनामिक ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली कंपाइल टाइम पे बना. और जो पॉइंटर वेरिएबल है वो अगर हम देखें इन ब्लॉक में हमारे पास लिखा हुआ है कि पॉइंट स्टैरिक पी जो है वो कंपाइल टाइम में क्रिएट होगा. सो बेसिकली अब हम जब मेमोरी में देखेंगे तो होगा क्या कि अगर हम लिखते हैं पॉइंट स्टैरिक पी, तो इसका मतलब है मेमोरी के अंदर जो भी स्पेस है फॉर होल्डिंग दिस डायनामिक ऑब्जेक्ट एड्रेस, यानी डायनामिक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस क्रिएट होगा ऑब्वियसली. वो एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर अपने अंदर एड्रेस की वैल्यू रखता है, तो वो जो एड्रेस है उस डायनामिक ऑब्जेक्ट का वो आपके पी में जाके सेव हो जाएगा और ये काम होगा कंपाइल टाइम के अंदर. जबकि जब हम दूसरी लाइन लिखेंगे P इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, तो यहाँ पे अब वो पॉइंटर जो है वो उस न्यूली क्रिएटेड
डायनेमिक ऑब्जेक्ट की जिसका कोई भी नाम हो सकता है, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के कोड में देखा भी था, तो रन टाइम पे अब उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल एड्रेस है वो जाके पी में सेव हो जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड नाउ अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट के जिसका एड्रेस जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल के हमने अंदर जाके सेव करवा दिया है. सो आफ्टर डिस्कसिंग कि किस तरीके से जब हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू जो है वो हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हुए किसी भी क्लास का डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि जब हमें डिलीट करना है इस डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को तो वो किस तरह से होता है. अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि वाई वी आर डूइंग दिस, why we are deleting this dynamic object, created object. So for that we have to understand this first point, that to conserve the system resources, yani jo system ki resources hain, aur wo resources kya hain, memory jo hold kiya hua hai koi bhi object create kar rahe hain hum, yani dynamic object jo memory hold kar raha hai us system resource ko humne hold karke rakhna hai. सो कंजर्व करके रखना है. तो फॉर डूइंग दैट, टू कंजर्व द सिस्टम रिसोर्सेज, एन ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड डायनेमिकली एट रन टाइम. अब वो जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट है जो कि रन टाइम पे क्रिएट किया गया था, शुड बी डिलीटेड एज सून एज इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द रनिंग कोड. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था रन टाइम में, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट डायनेमिक ऑब्जेक्ट, यानी उस डायनेमिक ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है. सो इन ऑर्डर टू फ्री आर रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज, बिकॉज वी डोंट नीड दैट डायनेमिक ऑब्जेक्ट एनी मोर, हम रनिंग कोड के अंदर बेसिकली हमने उसको डिलीट करना ज़रूरी है. सो इन ऑर्डर टू डिलीट दैट डायनेमिक ऑब्जेक्ट, हम अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे डायनेमिक ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले उसका असर क्या होगा कि रन टाइम में उस डायनेमिक ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो किया जा रहा है, लेकिन रन टाइम कभी भी उस मेमोरी को फ्री करने की या उन रिसोर्सेज को फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. क्यों? क्योंकि हमने डिलीट का कीवर्ड जो कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट को हमने बात की थी क्रिएट करने के बाद डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमने अगर उस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया. सो इन दैट केस बेसिकली द कीवर्ड डिलीट इज यूज टू डिलीट द प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. अब ये प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे. दस इन द प्रीवियस प्रोग्राम कोड, जो हमने से पिछला जो प्रोग्राम कोड बनाया था प्रीवियस स्लाइड में, हमने देखा कि हमने पॉइंट स्टैटिक पी लिखा, एक डायनेमिक एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया और उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब इन ऑर्डर टू डिलीट दैट पॉइंटर वेरिएबल पी, हमें डिलीट का कीवर्ड यूज़ करना है और एंटिटी इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, कि हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करने के बाद उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे पी और सेमी कॉलन. सो दिस विल बेसिकली फ्री द मेमोरी जो भी हमारे मेमोरी एसोसिएट करती थी उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट पी के साथ. तो इस तरीके से अगर हम डिलीट का वर्ड कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास वो जो जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं या मेमोरी है वो उस वक्त तक ऑक्यूपाई रहेगी जब तक हम उसे डिलीट का कीवर्ड यूज़ करके फ्री ना कर दें. ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस, हम दोबारा से एक पिछली जो हमारे लेक्चर में डिस्कशन थी कि जब मैं पॉइंट पी लिखता हूँ, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब मैं पॉइंट पी लिखता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, यानी पी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और पॉइंट क्लास से बिलोंग करता है, तो वो जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पी बनाऊं, पी वन बनाऊं, जो भी नाम रखूं उस ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे हमने उस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, एक एक्स और एक वाई.
तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी एक कॉपी बन जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने बात की थी, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप जाके देखें कि हमने लेट्स से एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि पॉइंट क्लास से बिलोंग करता था, जिसका नाम हम रख सकते थे P1। और इसी तरीके से अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P2, तो वहाँ पर हमारे पास P2 के पीछे भी एक्स और वाई की दूसरी उसकी यूनिक वैल्यू रहेंगी। अगर मुझे P1 का जो है ऑब्जेक्ट का एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना था, तो आई हैव टू राइट P1.x। अगर आप पुराने लेक्चर में जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखें जो हमने कोड बनाया था, तो वहाँ अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं P1 और फिर डॉट का एक्स इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करना है और उसके मेंबर थे एक्स और वाई, तो x और y को एक्सेस करने के लिए मैंने P.x का इस्तेमाल किया था। और अगर y की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करनी थी या डिस्प्ले या सी आउट करवानी थी, तो हम P.y लिखते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट की, या दूसरे लफ्जों में हम कहें किसी डायनेमिक ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ हम डॉट का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की कि अगर मैं पॉइंटर P बना रहा हूँ तो उसके एक्स और उसके वाई जो है, क्योंकि ये डायनेमिक है, तो डायनेमिक की वजह से हमें अगर अब इस एक्स और वाई को एक्सेस करना है, तो उसके लिए ये जो सर्किल आपको हुआ हुआ एक सिंबल नज़र आ रहा है जिसमें डैश और फिर एक ग्रेटर देन का साइन है, जिसको हम कहते हैं मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। यानी जो भी मेंबर है उस ऑब्जेक्ट का, जितने भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, कोई भी मेंबर अगर उसको सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम बेसिकली इस मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। उससे पहले उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, मिसाल के तौर पर प्रीवियस केस में वो था P, और मेंबर नेम का मतलब है यहाँ पे P के बाद ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर लगेगा, और फिर X या Y जो भी आपको मेंबर सिलेक्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डॉट का ही इस्तेमाल करूँ, जिस तरह नॉर्मल हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे डॉट ही लगाया जाता था, P.x या P.y, अगर मैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को भी इसी तरह एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डॉट लगा सकता हूँ। लेकिन उसकी एक कंडीशन यह है कि उस वक्त फिर मुझे वो जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जो कि P था, लेकिन असल में वो स्टेरिक P था, तो स्टेरिक लगाना ज़रूरी है टू मेंशन, टू शो कि जी ये नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट का मेंबर मैं सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अगर मेंबर सिलेक्ट करने हैं या एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट के मेंबर सिलेक्ट करने हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑफ डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स, अब हम एक नया डिस्कशन यहाँ पे करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शंस। हमने इससे पहले बात की थी जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए थे कि क्लास जब भी हम बात करते हैं और क्लास की जब डेफिनेशन देते हैं, तो क्लास की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसी भी क्लास की डेफिनेशन होती है। सो लेट्स से जो हम एग्जांपल अभी तक देखते आए हैं कि हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम हमने पॉइंट रखा था, उस पॉइंट क्लास में हम बेसिकली करते क्या थे कि हमने उस क्लास के अंदर उसके वेरिएबल्स, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं उसको डेटा मेंबर्स भी कह सकता हूँ, जो कि इंट एक्स और इंट वाई की वैल्यूज़ थी, तो वो उस क्लास के जो बेसिक क्लास है हमारी उसके डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, उन डेटा मेंबर्स के साथ साथ हमारे पास बेसिकली उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमें ये पता है प्रीवियसली के जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एक्स और वाई की उस ऑब्जेक्ट के साथ एक ना एक एसोसिएटेड वैल्यू मौजूद होगी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी डिस्कशन को, वेयर वी हैव सम मेंबर फंक्शंस एज वेल। अब ये मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन इज अ फंक्शन, मेंबर फंक्शन जो है वो एक फंक्शन, जैसे हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बात की थी, एक फंक्शन होता है दैट बिलोंग्स टू अ गिवन क्लास डेफिनेशन। यानी हमने क्लास की डेफिनेशन दी, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्लास की डेफिनेशन दी, और उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हम डेटा मेंबर्स यानी एक्स और वाई को तो इनिशियलाइज करते ही थे,
उसके साथ साथ हम मेंबर फंक्शंस को भी डिफाइन करते हैं, और ये जो फंक्शंस बनाए जाते हैं क्लास के अंदर, वो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वो ऑपरेट होते हैं बेसिकली उन डेटा मेंबर्स पे जो कि उस क्लास का हिस्सा होते हैं। यानी अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में पॉइंट क्लास की बात करूं, तो वहां उस पॉइंट क्लास के अंदर अगर मैं कोई मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो वो डेटा जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है वो एक्स और वाई जो डेटा मेंबर्स जो कि उस क्लास से बिलोंग करते हैं उसमें बेसिकली उसके थ्रू ऑपरेट होंगे। अब द मेथड्स दैट बिलोंग टू द क्लास मे बी डिफाइंड विद इन द क्लास बॉडी और आउटसाइड द क्लास बॉडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना नहायत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मेथड्स हैं या जिसको हम फंक्शंस भी कहते हैं या मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं, तो अब से हम उसको मेथड्स कहेंगे। तो मेथड्स जो कि किसी भी क्लास के हैं, उनकी हमने जब भी फंक्शंस या मेथड्स की बात की, हमने कहा कि तीन चीज़ें होती हैं उसमें, एक उसकी डेफिनेशन, एक उसकी डिक्लेरेशन, तीसरी उसकी कॉलिंग। ठीक है, ये अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के मेरे लेक्चर्स जाके देखें तो वहाँ पे फंक्शंस के चैप्टर के अंदर या फंक्शंस के लेक्चर्स के अंदर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली, जो कि बताता है कि असल में इस फंक्शन, ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो वो जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्लास की बॉडी के अंदर भी डिफाइन की जा सकती है और क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन की जा सकती है। अब इसको हम एग्जांपल की शक्ल में अगली अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से हम मेथड्स की जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर भी डिफाइन करके और बाहर भी डिफाइन करके, अब फर्क क्या है वो हम आगे एग्जांपल की सूरत में देखेंगे। अच्छा, अब डेफिनेशन तो हमने क्लास के अंदर या बाहर की हमारे पास चॉइस है कि या तो हम क्लास के अंदर डिफाइन कर दें या क्लास के बाहर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर उस मेथड को डिक्लेयर जरूर होना है, क्योंकि अगर हम डिक्लेयर भी ना करें तो कैसे हमें पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो उस क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डेफिनेशन तो आप क्लास के बाहर या अंदर दे सकते हैं, इट्स ऑन योर ओन चॉइस, बट जहां तक ताल्लुक है उस क्लास के मेथड की डिक्लेरेशन का, तो डिक्लेरेशन जो है वो क्लास के अंदर होना लाजमी है, क्लास की बॉडी के अंदर होना लाजमी है। सो व्हेन वी से दैट अ मेथड इज डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे अगर जो टेबल में हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, सो व्हेन वी से दैट अ मेथड इज डिक्लेयर्ड, वी मीन दैट वी राइट इट्स प्रोटोटाइप एंड सफिक्स इट विद सेमीकॉलन। जब भी हम मेथड की डिक्लेरेशन की बात करते हैं या फंक्शन की डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो ये आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में देखा है कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि हम उसका एक प्रोटोटाइप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि डिक्लेयर किया गया, अभी करेगा क्या उसकी या उस फंक्शन का क्या पर्पज़ है, वो तमाम की तमाम उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिटेल मौजूद होती है। लेकिन जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं और उसको एंड में सेमी कॉलन से एंड करते हैं। सो बेसिकली डिक्लेरेशन या मेथड डिक्लेरेशन में हमारे पास कोई भी फंक्शन या मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं मौजूद होती उस डिक्लेरेशन के अंदर। ऑन अदर साइड अगर हम बात करते हैं उस मेथड की डेफिनेशन पे, तो मेथड की डेफिनेशन बेसिकली वो डिफाइन करता है कि जो भी कोड या जो भी काम उस फंक्शन का है वो एक बॉडी, एक पैरेंथेसिस हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर जो भी वो फंक्शनैलिटी है उस मेथड की, वो तमाम कोड हम उस बॉडी के अंदर लिखते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये किसी भी मेथड की या फंक्शन की डेफिनेशन है। सो अब हम आगे जाके अपकमिंग स्लाइड में देखेंगे कि दो तरीके हमने पढ़े कि या तो मेथड को क्लास के अंदर डिफाइन किया जा सकता है या मेथड को क्लास के बाहर डिफाइन किया जा सकता है, तो इसको हम एग्जांपल की मदद से आगे अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे।
ओके, सो इन द प्रीवियस स्लाइड हमने बात की थी कि हम मेंबर फंक्शन की, जब हमने बात की कि मेंबर फंक्शन या मेथड को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी. तो नाउ इन दिस एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी विल सी के किस तरीके से क्लास के बाहर या अंदर उसको डिफाइन किया जाता है. तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर के हमारे पास एक क्लास हमने बनाई थी. लेट्स से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब मेथड इज डिफाइंड विद इन द क्लास डेफिनेशन, यानी क्लास की एक डेफिनेशन और उसी के अंदर हमने उसके मेथड की डेफिनेशन भी दे दी है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आपको कोड लेफ्ट साइड पे आप देखें कि हमने सबसे पहले लिखा क्लास पॉइंट, यानी क्लास का कीवर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए. तो हमने पॉइंट उस क्लास का नाम रख दिया और कीवर्ड यूज़ किया क्लास का, और करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज किया. अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो तमाम की तमाम उस क्लास की बेसिकली डेफिनेशन है या उस क्लास की बॉडी कंसिडर की जाती है. अब यहाँ पे बेसिकली वी कैन सी कि यहाँ हमारे पास, हमने जैसे पहले बात की कि पब्लिक लिखा, पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर. अब इसका पर्पस क्या है, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, यानी एक्स और वाई की जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली दे आर एक्सेस इज पब्लिक. तो दो हमने इंटीजर इनिशियलाइज किए, तो इसका मतलब है अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इस क्लास का तो उसमें दो वेरिएबल्स बनेंगे मेमोरी के अंदर. फिर हमने दोबारा पब्लिक लिखा, इसका मतलब यह है कि अब जो आगे जो दो फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, एक हमने बनाया इंट गेट एक्स void और दूसरा void सेट एक्स, और फिर उसका एक इनपुट पैरामीटर है. ये दोनों फंक्शंस भी अब पब्लिक हैं क्योंकि मैंने ऊपर पब्लिक और कॉलन लगा दिया. अब पहला फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली ये हमने जैसे फंक्शन की आपको पता है डेफिनेशन होती है, और जब डिफाइन किया जाता है कि फंक्शन का नाम यहाँ पे गेट एक्स है और जो ब्रैकेट के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें void लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली कि कितने इनपुट पैरामीटर्स हमें इस फंक्शन को रिक्वायर्ड हैं चलाने के लिए. तो void का मतलब है कि यहाँ पे पैरामीटर्स कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि int जो आगे लिखा है दैट इज़ अबाउट रिटर्न टाइप, कि यहाँ से जो भी इस फंक्शन का आउटपुट आ रहा है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तो वो डेटा टाइप यहाँ पे int है. अब इस फंक्शन के अंदर सिंपली हमने इसकी जो बॉडी है बेसिकली, अब हमने यहाँ ब्रैकेट जो लगाए हैं करली ब्रैकेट, दैट इज द डेफिनेशन और द बॉडी ऑफ दिस गेट एक्स फंक्शन या मेथड. तो यहाँ पे सिंपली हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, हमने रिटर्न करवा दी कोई भी एक्स की वैल्यू जो भी मौजूद थी. अच्छा, उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन बनाया या दूसरा मेथड बनाया विच इज void सेट एक्स, और उसमें हमने एक इनपुट आर्ग्यूमेंट दिया int x1, यानी अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस मेथड को एक वेरिएबल की ज़रूरत है, इनपुट पैरामीटर की ज़रूरत है जिसकी टाइप इंटीजर होगी. ये फंक्शन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आ चुकी है हमारा पॉइंट, और जो void है वो उसकी रिटर्न टाइप है, यानी यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही. और फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन की हमने जो बॉडी रखी है यहाँ पे, वो करली ब्रैकेट्स के थ्रू हमने बॉडी रखी और हम कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू x1. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x1 जो इनपुट आर्ग्यूमेंट था वो x1 की वैल्यू जो है वो x में आके सेव हो गई. अब यहाँ डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, हमने सिर्फ सिंपल केस के लिए यहाँ पे सिर्फ कंसिडर किया है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो सिर्फ यही है. कोड यहाँ पे हम किसी भी मेथड का कुछ भी डाल सकते हैं. सो नाउ यू कैन सी के उसके बाद फिर हमने क्लास को आखिर में, क्लास की डेफिनेशन को एंड किया करली ब्रैकेट लगा के और सेमी कॉलन लगा दिया. नाउ वी कैन सी कि हमने दो मेथड रखे यहाँ पे, एक तो दो डेटा मेंबर्स हैं, एक एक्स और दूसरा वाई. इसी तरह दो मेंबर फंक्शंस हैं या दो मेथड्स हैं, पहला गेट एक्स और दूसरा सेट एक्स. और गेट एक्स और सेट एक्स हमने क्लास के ही अंदर डिफाइन किए हैं बाय राइटिंग देयर बॉडी और देयर डेफिनेशन इनसाइड द करली ब्रैकेट. हमने करली ब्रैकेट के थ्रू जो है वो इस मेथड की डेफिनेशन को हमने क्लास की बॉडी के अंदर ही रखा है. अब हम कंसिडर करते हैं दूसरा केस विच इज ऑन द राइट साइड, कि जब मेथड्स डिफाइंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी जब मेथड्स को क्लास की डेफिनेशन के बाहर रखा जाएगा. अब इस केस में अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने ये कहा था कि भले क्लास के बाहर आप उसे डिफाइन करें लेकिन क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ताकि
पूरे कोड में ये बात पता हो कोड को कि गेट एक्स और सेट एक्स दो मेथड हैं जो कि एक क्लास जिसका नाम पॉइंट है उससे बिलोंग करते हैं। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये गेट एक्स और सेट एक्स इस पॉइंट क्लास के मेथड्स हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस क्लास के अंदर जाके मुझे उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। तो इफ़ यू कैन सी नाउ ऑन द राइट साइड कि क्लास पॉइंट लिखा मैंने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लेफ्ट साइड पे मैंने क्लास की बॉडी डिफाइन कर रहा था, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाए, वेरिएबल्स को भी मैंने उसी तरीके से एक्स एंड वाई को डिक्लेयर किया। उसके बाद पब्लिक लिखने के बाद यू कैन सी के नाउ आई हैव पुट इंट गेट एक्स वॉइड और कॉलन लगाया है सेमी कॉलन और फिर वॉइड सेट एक्स इंट, वही सेम फंक्शन है लेकिन अब मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ उनको डिक्लेयर किया और उसके बाद ये क्लास की जो बॉडी है करली ब्रैकेट से क्लोज करके सेमी कॉलन लगा दिया। अब ना यहाँ पे कंपाइलर को पता है कि जी ये गेट एक्स सेट एक्स जो हैं वो इस क्लास पॉइंट के मेथड्स हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन तो होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन के साथ उसकी डेफिनेशन भी ज़रूरी है। तो अब हमने उस क्लास की डेफिनेशन जो थी उसके बाहर इस मेथड को डिफाइन किया है और वो करने का तरीका क्या है कि जब भी आप ये अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है कि जो भी चीज़ किसी भी क्लास की मौजूद है किसी क्लास की डेफिनेशन के अंदर है जब आप उसको किसी क्लास के बाहर जाके इस्तेमाल करेंगे या उसको इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जो सिंटैक्स आप अगर देखें राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है जहाँ हमने लिखा है वॉइड पॉइंट, फिर हमने दो कॉलन्स का इस्तेमाल किया है और फिर मैंने लिखा सेट एक्स और ब्रैकेट में इंट एक्स वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे देखें तो वॉइड तो रिटर्न टाइप हो गई, ठीक है जी, और उसके बाद पॉइंट जो है वो उस क्लास का नाम हो गया और फिर मैंने दो कॉलन लगाए, ये जो कॉलन हैं दोनों इनको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमेशा उस वक्त लगते हैं कि कोई भी मेथड या कोई भी एलिमेंट जो कि किसी क्लास का मेंबर है किसी क्लास से बिलोंग करता है जब मैं उसको बाहर क्लास के डिफाइन करूँगा तो मुझे ये स्कोप रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। यानी जब भी कोई मेथड की डेफिनेशन क्लास के बाहर डिफाइन करने लगूँगा तो मुझे ये स्कोप रेजोल्यूशन लगाना लाजमी है। सो उसके बाद हम लिखते हैं मेथड का नाम, यानी लेट्स से सेट एक्स और गेट एक्स दो मेथड थे तो मैंने अगर उनको क्लास के बाहर रखना है तो मैंने स्कोप रेजोल्यूशन के बाद उस मेथड का नाम लिखा सेट एक्स या गेट एक्स और फिर उसकी जो भी इनपुट पैरामीटर लिस्ट है वो लिख दी। तो अगर मैं दोबारा एग्जांपल में जाऊं यू कैन सी वेरी वेल के जी क्लास की डेफिनेशन के बाद मैंने लिखा इंट पॉइंट अब कॉलन लगाया गेट एक्स वॉइड। अब यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा क्योंकि अगर आप डिक्लेरेशन पे जाके क्लास के अंदर देखें गेट एक्स की रिटर्न टाइप थी इंट तो बेसिकली उस फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद पॉइंट क्या था क्लास का नाम था जिस क्लास से वो फंक्शन या मेथड बिलोंग कर रहा था। फिर हमने दो कॉलन्स लगाए यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर गेट एक्स जो कि फंक्शन का नाम या मेथड का नाम था जो कि इस क्लास का था उसको हमने लिखा और void उसकी return type थी और अब मैंने bracket डाल के उसकी definition यहाँ class के बाहर रख दी। अब वो definition obviously अभी हमने बात की कि same रह सकती है same रहेगी obviously जैसे अगर मैं अंदर class के define कर रहा था उस वक्त भी same रहेगी यहाँ पे भी same रहेगी तो दोनों cases में definition तो same है लेकिन अगर मैं define उसको class के बाहर कर रहा हूँ तो यहाँ बड़ा important है ये देखना कि हमें scope resolution का sign ज़रूर लगाना है जब हम उसको क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं।